ये हो गया हमारा माइनस सिक्स, ये हो गया माइनस 24 और माइनस 14, ये कितना आ गया माइनस 14, मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है सही आंसर है हमारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि अगर 1.5 से लेकर के x 4.5 तक हो देन 2x-3 2x-9 ग्रेटर देन 0 सेकंड 2x-3 2x-9 लेस देन 0 थर्ड दिया है 2x-3 2x-9 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और फोर्थ 2x-3 2x-9 लेस देन इक्वल। तो ये और ये तो ऐसे ही खत्म हमारा, क्योंकि अगर इसमें इक्वल का साइन है तो इसमें भी इक्वल का साइन होना चाहिए, इन दोनों में इक्वल का साइन है नहीं, ये दोनों ऐसे ही खत्म हो गया। अब 1.5 से 4.5 के बीच में ये प्लस होगा कि माइनस होगा ये देखना, तो नो डाउट माइनस होगा, कोई भी एक नंबर रख के देख ले। 1.5 से 4.5 के बीच में 3 रख लिया, 1.5 से 4.5 के बीच में 3 रख लिया, तो 3 2 6 6 3 3 हमारा, और 3 2 6 6 नेगेटिव आ रहा है, ये प्लस में है, तो भी गलत हो गया ऑप्शन नंबर डी। बस देखो और टिक लगाओ, और कुछ करने की जरूरत ही आपको नहीं थी यहां पर, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि सेट एस दिया है 1 2 3 से लेकर के इस तरह से, और ए रिलेशन रिलेशन एस क्रॉस एस इज डिफाइंड बाय एक्स रिलेटेड टू वाई इफ लॉग एक्स बेस ए ग्रेटर देन लॉग वाई बेस ए, जहां ए का वैल्यू 1/2 है। तो रिलेशन है कैसे, ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है, सेकेंड ऑप्शन है सिमेट्रिक है, थर्ड ऑप्शन है ट्रांजिटिव ओनली, और डी दिया है बोथ सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये दिया हुआ है हमारा। तो अब ये बताइए, रिफ्लेक्सिव हम लोग जानते हैं क्या है, कोई भी एलिमेंट अपने के साथ रिलेटेड हो, तो कोई भी नंबर अपने के साथ बराबर तो हो नहीं सकता, तो रिफ्लेक्सिव तो होना नहीं है हमारा, सिमेट्रिक भी नहीं होना। सिमेट्रिक क्यों, सिमेट्रिक क्या होता है कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ हो तो बी का रिलेशन ए के साथ भी होना चाहिए हमारा, तो ये भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि कोई भी नंबर अपने आप एक नंबर 3 अगर 2 से ज्यादा है तो 2 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकता हमारा, ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं हमारा, तो इनइक्वालिटी वाला रिलेशन तो कभी सिमेट्रिक हो ही नहीं सकता है हमारा। ठीक, तो ये भी कहानी खत्म हमारा। ट्रांजिटिव कर रहा है, ट्रांजिटिव ये होगा हमारा, क्यों, क्योंकि अगर log x बेस y log y बेस a से ज्यादा है हमारा, तो log x बेस a अगर log y बेस a से ज्यादा है और log y बेस a log z बेस a से ज्यादा है, तो नो डाउट log x बेस a भी क्या होगा, log z बेस a से ज्यादा ही होगा हमारा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है हमारा, तो ट्रांजिटिव ये होगा। तो सही ऑप्शन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन जो होगा वो सही होगा हमारा।
ऑप्शन नंबर 12 कह रहा है, 12 में कह रहा वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स आई आई टू द पावर 4 आई टू द पावर 9 आई स्क्वायर आई टू द पावर 6 आई टू द पावर 12 आई क्यूब आई टू द पावर 8 आई टू द पावर 15। ऑप्शन दिया है हमारा 0 -2 4i -4i। तो i का हम लोग पावर जानते हैं क्या, 4 से उस पावर को डिवाइड कर दीजिए, 4 से डिविजिबल है तो वैल्यू क्या होता है 1, 4 से डिवाइड करने पे 1 बचे, मतलब ये होता है i का कॉन्सेप्ट, 4n के टर्म में हो तो 1, 4n प्लस 1 के टर्म में हो तो i, 4n प्लस 2 के टर्म में हो तो -1 और 4n प्लस 3 के टर्म में हो तो वैल्यू क्या जानते हैं हम लोग, -i जानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, i -1 -i 1 -1 1 और ये हो जाएगा फिर i, i पर पावर 12 है तो ये 1 हो जाएगा, 15 है रिमाइंडर 3 बचेगा तो ये -i हो जाएगा। चाहे तो आप इसको डिटरमिनेंट्स की प्रॉपर्टीज लगा के सॉल्व कीजिए या डायरेक्ट ही सॉल्व कर लीजिए। चलिए फर्स्ट रॉ के रिस्पेक्ट में एक्सटेंशन करें तो आई -1 -i -1 -1 हमारा, इससे करेंगे तो ये +1 हो जाएगा, ये छूट गया ये छूट गया, -1 -i -1 -i ये भी -i हमारा ये आ गया। और थर्ड में फिर -i के साथ करेंगे तो 1 और -1 -, ये और ये खत्म हो गया, -1 -1 -y ये हो गया -i, तो +i हो गया हमारा, ये कितना हो गया i² -i -2i ये हो गया -i और -i² ये और ये कैंसिल, -4i। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 जो है वो कह रहा मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए एच जी एच बी एफ जी एफ सी और बी दिया हुआ है एक्स वाई, तो ए भी पूछ रहा है ए भी किसके इक्वल है हमारा, तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है ए एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड वाई, दूसरा ऑप्शन दिया है ए एक्स एच वाई जी जेड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड, थर्ड ऑप्शन हमारा दिया हुआ है ए एक्स प्लस एच वाई जी जेड एच एक्स प्लस बी वाई प्लस एफ जेड जी एक्स प्लस एफ वाई सी जेड, और फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है ए एक्स एच वाई जी जेड एच एक्स बी वाई एफ जेड और जी एक्स एफ वाई सी जेड। इसमें कुछ करना बस मल्टीप्लाई करना है, ये 3x3 का है और ये 3x1 का है, तो ए बी जो होगा वो भी 3x1 का ही मैट्रिक्स होगा, तो 3x1 का ये वाला तो है नहीं, ये तो गलत हो गया हमारा 1x3 का इन तीनों में। तो फर्स्ट वाले रॉ को फर्स्ट वाले कॉलम से करेंगे तो ए एक्स प्लस एच एक्स प्लस एच वाई प्लस जी जेड ये है, सेकेंड वाले रॉ को कॉलम से करेंगे तो एच एक्स बी वाई एफ जेड बस हो गया, और थर्ड वाले को करेंगे तो जी एक्स एफ वाई सी जेड, मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर है। सी अब पूरा लिखना भी नहीं है आपको, यहां तो हमने ऑप्शन लिखा इसलिए भी टाइम लगा है, देखते के साथ टिक लगाने वाला सवाल था, बस मल्टीप्लिकेशन के रूल हमें पता होने चाहिए थे। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ बेस
in which the letters of word either can be arranged so that vowels occupy even places. ऑप्शन दिया हुआ है 2, 4, 6 बी, तो चार ही तो जगह है हमारा। अब वॉवेल इसमें कितने हैं? वॉवेल्स जो है वो ए और ई है, और कॉन्सोनेंट जो है वो कितना? बी और एल है हमारा, ए और ई, बी और, तो ऑड प्लेस हमारा कितना होगा? इवन प्लेस 2 और 4, मतलब इन दोनों जगहों पे हम ए और ई को ही रख सकते हैं। तो ए और ई आपस में दूसरे और चौथे जगह पे कितना फैक्टोरियल? 2 तरीके से। अब पहले और तीसरे जगह पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए हमारा, तो पहले और तीसरे जगह पे कॉन्सोनेंट भी, 2 ही कॉन्सोनेंट है, 2 जगह भी है हमारे पास ही है, तो वो भी आपस में फैक्टोरियल 2 तरीके से, मतलब 2 × 2 = 4, मतलब कॉन्सोनेंट को अलग से अरेंज कर देना था ऑड प्लेस पे, और 2 वॉवेल्स को अलग से अरेंज कर देना था इवन प्लेसेस पे हमारा, 2 इवन प्लेसेस भी है, 2 ऑड प्लेसेस भी था हमारा, तो 4 नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स इंटरसेक्शन ऑफ 5 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल्स, 5 वृत्त दिए हुए हैं, 5 वृत्त दिया हुआ है, तो ज्यादा से ज्यादा हमारा कितना इंटरसेक्शन पॉइंट कितना होगा, प्रतिच्छेदी बिंदु कितना होगा? तो जैसे ये बताओ, ऑप्शंस दिया है हमारा, फर्स्ट ऑप्शन है 10, सेकेंड है 15, थर्ड है 20, फोर्थ है 25। तो ये बताओ, यहां पे हमारा 15 नंबर, 2 सर्किल एक दूसरे को ज्यादा 2 जगह काट सकते हैं, 2 से ज्यादा जगह काट ही नहीं सकता हमारा, 2 से ज्यादा जगह कभी काट पाना संभव ही नहीं, तो जितना जोड़ा बनेगा उसका डबल, तीसरा भी है तो 2 हो जाएगा हमारा, चौथा है, 5 सर्किल है हमारा, तो एक जोड़े से 2 सर्किल बनता है, एक जोड़े सर्किल मतलब दो पेयर से कितना बनेगा, 2 × 2 C2, 3 पेयर से, तो जितना पेयर हम बना सकते हैं, तो 5 सर्कल से पेयर कितना बनेगा, 5 C2, और जितना पेयर बनेगा उसका डबल इंटरसेक्शन पॉइंट, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया।